नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरी मेकअप बेसिक सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। ये जो सीरीज़ है ये मैंने कुछ टाइम पहले शुरू की थी। इस सीरीज़ में मैं हिंदी में वीडियोस करती हूँ और मैं बेसिकली सारे बेसिक्स कवर कर रही हूँ मेकअप के इसमें। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए और सीखिए मेरे साथ मेकअप बेसिक्स। सो जो आज का टॉपिक है वो मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, वो है हाउ टू कंसील योर डार्क सर्कल्स, हाउ टू हाइड योर डार्क सर्कल्स। वो जो टॉपिक है वो मैंने ही इंग्लिश में की थी वीडियो, बहुत टाइम हो गया उसको, आई गेस 2 या 3 साल हो गए हैं। तो मैं एक अपडेटेड वर्जन करना चाहती थी, मोर ओवर मेकअप बेसिक सीरीज़ में मैं इसे कवर करना चाहती थी, मतलब कि मैं हिंदी में ये वीडियो करना चाहती थी। तो आज मैं वीडियो आपके सामने मैं कर रही हूँ। अभी तक मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ मेकअप बेसिक सीरीज़ में। पहली थी फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम आप कैसे लगाएं सबसे आसान तरीके से। दूसरी थी आप आई शैडोज़ कैसे अप्लाई करें, बहुत ही सिंपल तरीके बताएं, और वो दोनों वीडियोस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिए। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अपने काले घेरे, डार्क सर्कल्स कैसे कवर कर सकते हैं। हम इंडियंस की स्किन टोन ऐसी होती है कि जो आपके काले घेरे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि आप अगर बाकी देखेंगे कि जो वाइट पीपल होते हैं, जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, उनके जो ब्लैक डार्क सर्कल्स होते हैं वो ऐसे हमारे तरह नहीं होते, उनके थोड़े ब्लूइश टोन में होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो थोड़ा येलो टोन या फिर थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर भी यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से कंसील हो जाता है। बट जो कि मैंने अपने लिए देखा है कि हमें कंसील भी अगर करना है तो डार्कर कलर से करना है। अगर आप ऑरेंज शेड भी ले रहे हैं उससे भी काफ़ी हद तक आपका डार्क सर्कल्स कंसील हो जाते हैं, बट उसमें भी ऑरेंज शेड भी आप डार्कर कलर यूज़ कीजिए। मैं पर्सनली डार्कर कलर प्रेफर करती हूँ, चाहे वो ऑरेंज हो चाहे वो स्किन टोन हो, मैं डार्क स्किन टोन कलर से भी अपने डार्क सर्कल्स कंसील करती हूँ, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो मैं अपने फेस का एक साइड पे ऑरेंज कंसीलर यूज़ करूंगी, पर वो भी डार्क ऑरेंज कंसीलर ना कि लाइट, और दूसरे साइड मैं एक डार्क कंसीलर यूज़ करूंगी, अपने स्किन शेड से एक शेड डार्कर कंसीलर यूज़ करूंगी। तो जो मैं ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो है ये कंसीलर, ये LA Girl का प्रो कंसील HD कंसीलर है। ये जो मैंने पिछली वीडियो की थी तब तक मार्केट में नहीं था, तो जितने भी ऑरेंज करेक्टर्स अवेलेबल थे मार्केट में वो लाइट ऑरेंज कलर्ड थे। ये पहला मुझे एक डार्क कलर्ड ऑरेंज करेक्टर मिला, और ये बहुत ही अच्छे से आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स पे काम करता है। और जो मैं दूसरा कंसीलर यूज़ करूँगी, जो कि दूसरी साइड करूँगी, वो है मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, और जो शेड है मेरे पास वो है 30 कैफ़े कैफ़े। आई डोंट नो वेदर ये आपको इंडिया में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये मैंने बाहर से ख़रीदा था, US से ख़रीदा था। तो ये जो है ये एक डार्क कंसीलर है, मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है। और अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है और आप एक डार्क कंसीलर यूज़ करना चाहते हैं रादर देन ऑरेंज करेक्टर के, तो आप फॉन शेड यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही प्यारा शेड है, LA Girl में ही है वो, अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, इट्स बैक इन चंडीगढ़, अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है। तो आई एम जस्ट गोना वर्क विद दीज टू। मेरा जो फेस है इस पर कुछ नहीं है एक्सेप्ट मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया, प्राइमर भी नहीं लगाया है। आप कोई भी मेकअप करें पहले अपना प्राइमर लगाएं, बट आज की वीडियो में मैं प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये मैं सिर्फ वीडियो पर्पज़ के लिए कर रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल नहीं चाहती कि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्ट करे या स्टे करे, इसलिए मैं विदाउट प्राइमर आपको एक डेमो दे रही हूँ। बट अगर आप कहीं जा रहे हैं तो प्राइमर ज़रूर लगाएं। तो सबसे पहले मैं अपना ऑरेंज कंसीलर लगा रही हूँ, और जो मैं इसे लगाऊंगी वो मैं लगा रही हूँ एक फ्लफ़ी कंसीलर ब्रश से। और ये जो ब्रश है ये है एल्फ का फ्लॉलेस कंसीलर ब्रश, आप अपने फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट आई फील कम्फर्टेबल विद दिस ब्रश। आप जैसे भी कम्फर्टेबल फील करते हैं आप लगाइए। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा जूम्ड इन है अब कैमरा, तो आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं LA Pro Concealer HD ले रही हूँ, और आप चाहें तो इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एक छोटा सा ब्रश है आगे, आप इसको डायरेक्टली अपने अंडर आइज़ पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी और के कर रहे हैं तो आई वुड प्रेफर अगर आप अपने बैक ऑफ हैंड पे थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लें और किसी और ब्रश से यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, बट ये मेरा पर्सनल है, सो आई एम जस्ट गोना यूज़ डायरेक्टली ऑन माई फेस।
जहाँ पर भी मुझे अपने डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं या फिर मुझे कहीं भी पिगमेंटेशन दिख रही है अपने चेहरे पे, मैं ये इस हाफ़ पे यूज़ करूँगी, इस हाफ़ पे मैं डार्क कंसीलर यूज़ करूँगी। तो डार्क सर्कल्स काफ़ी हैं, तो मैं जो लगा रही हूँ उसको थोड़ा सा इन्वर्टेड ट्राइंगल के शेप में लगा रही हूँ, जैसे कि एक ट्राइंगल उल्टा होता है उस हिसाब से लगा रही हूँ। और इस तरह से कंसंट्रेट मैंने ज़्यादा ऑरेंज कलर अंदर की तरफ किया है। और कहीं अगर दाग धब्बे हैं, जैसे कि साइड्स ऑफ साइड्स पे होते हैं, मेरे माउथ के साइड्स पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन रहती है, तो हल्का सा बस डैब ही करना है, मुझे ज़्यादा नहीं लगाना है। या दैट्स इट। सो अब मैं एक फ्लफ़ी कंसीलर ब्रश ले रही हूँ, जो कि ये एल्फ का कंसीलर ब्रश है। कोई भी इस तरह का कंसीलर ब्रश ले सकते हैं। सो मैं इसे स्टिपलिंग मोशन में ब्लेंड करूँगी। मैं इसको डैब कर रही हूँ इस तरह से नहीं ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखिए, मैं इसको ऊपर आगे पीछे नहीं कर रही हूँ, इसको बस एक स्टैम्प की तरह अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। आपने बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक अपने टोन का कंसीलर भी साथ में चाहिए होगा कि ऑरेंज वो कवर कर सके। अदरवाइज़ अगर आप डार्क कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर आप अपनी फाउंडेशन भी लगाते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मुझे डार्क कंसीलर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज कंसीलर। जबकि ये वाला जो है ऑरेंज करेक्टर, ये बहुत अच्छे से काम करता है। बट फिर भी जब मैं जल्दबाजी में होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डार्क कंसीलर्स ही यूज़ करूँ, क्योंकि एक लेयर प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा जो है वो बच जाती है। सो देखिए, मैंने कितने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपना ऑरेंज कंसीलर। अब मैं अपना मेबलिन फिट मी कंसीलर ले रही हूँ, कैफे कैफे 30 नंबर है ये, और इसको मैं अपने दूसरी साइड फेस के लगाऊंगी। तो देखिए कितना डार्क है ये, मतलब मेरी एक्चुअल स्किन पे ये बहुत डार्क लगेगा आपको, देखिए। बट अंडर आइज़ के लिए बहुत अच्छा है ये। तो मैं अपने वही कंसंट्रेट करूंगी इनर कॉर्नर्स पे ज़्यादा, जहाँ पे मुझे डेप्थ लगती है थोड़ी सी और डार्क सर्कल्स लगते हैं, और उसको बाहर की तरफ फैन आउट करूंगी। उसी तरह ही कोई भी अगर पिगमेंटेशन है, जैसे कि लिप्स के आसपास कोई स्पॉट्स हैं, अब ये तो बहुत डार्क है, तो ये इसको तो मुझे वैसे ही ब्लेंड करना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी डार्क है। सो मैं ब्रश सेम यूज़ कर रही हूँ अच्छे से क्लीन करके। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी, अगेन स्टैम्पिंग मोशन। इधर का भी ब्लेंड किया तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी स्किन डार्क हो गई है। बट आई डोंट, मुझे ये चाहिए नहीं था, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया था कि वो मेरी एक्चुअल स्किन टोन से काफ़ी डार्क है कंसीलर। बट आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स को कितने अच्छे से कवर किया है उस कंसीलर ने। तो अब इस साइड मुझे एक और कंसीलर की लेयर लगानी पड़ेगी ताकि वो एक स्किन टोन लगे, और फिर मैं अपनी फाउंडेशन अपनी लगा सकती हूँ ईजिली। और लेयर लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का प्रो लॉन्ग वेयर कंसीलर। और आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, डजेंट हैव टू बी मैक। आप ज़रूरी नहीं है मैक यूज़ कीजिए, आप लैकमे का कोई यूज़ कर लीजिए, आप मेबलिन कर लीजिए। सो अगर अपनी शेड का, आप जो आप फाउंडेशन लगा रहे हैं उसी शेड से मैचिंग कंसीलर यूज़ कीजिए। अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो मैं NC42 हूँ मैक में, तो मैं वही NC42 कंसीलर ले रही हूँ। ज़रा सा लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस मुझे ऑरेंजनेस जो है मेरे आँखों के अराउंड और माउथ के अराउंड, लिप के अराउंड, वो मुझे कंसील करनी है। तो देखिए मैंने कितना कम लिया है, ज़रा सा ड्रॉप ली है, और इसी को ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लेंड करूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़्यादा लूँगी, बट कोशिश मेरी रहेगी कि मैं इतने से कंसीलर से अपना काम चलाऊँ। सो मैं इसको अपने फिंगर से लेके जस्ट एक डैब कर रही हूँ अंडर आइज पे, जहाँ भी ऑरेंज है, जस्ट टू कंसील दैट ऑरेंजनेस, क्योंकि मुझे इधर ज़रूरत नहीं है। इधर मैं डायरेक्टली फाउंडेशन भी लगाऊंगी तो आई विल बी गुड। बट यहाँ पे ऑरेंज कुछ ज़्यादा है, कलर करेक्ट तो बहुत अच्छे से करेगा, बट आपको एक और लेयर की ज़रूरत होती है साथ में। सो मैं अपना वही फ्लफी कंसीलर ब्रश लेके इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप
आपने बस ये ध्यान रखना है, आपने स्वीप नहीं करना है, आपने स्टैम्पिंग मोशन यूज़ करनी है। अगर जैसे ही आप स्वीप करने लगेंगे, आपका जो कंसीलर आपने लगाया है वो निकलने लगेगा और वो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिकॉज आपको अपने डार्क सर्कल्स छुपाने हैं, बढ़ाने नहीं है, नहीं तो वो आपको वो ऐशी लुक आने लगेगी जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो आपने सिर्फ स्टैम्पिंग मोशन यूज़ करनी है और आप देख सकते हैं कैसे इसने एकदम से वो ऑरेंजनेस कंसील कर दिया है। सो कलर करेक्टिंग हो गई है हमारे इस तरफ की, और इस तरफ हमने एक डार्क कंसीलर ही यूज़ किया है कलर करेक्टिंग के लिए। और अब मैं अपनी फाउंडेशन लगाऊंगी और आप देखिएगा कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मेरे डार्क सर्कल्स थे भी कि नहीं। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल सीरम फाउंडेशन। तो मैं ऐसी ही फाउंडेशन यूज़ करना चाहती थी जो इजीली अवेलेबल हो इंडिया में, तो आई गेस लैक्मे इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये ड्रॉपर फॉर्म में है, इसका पूरा रिव्यू है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूँगी। इंग्लिश में है बट आप देख सकते हैं, पूरा लॉन्ग वेयर टेस्ट किया है मैंने। सो इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। आप चाहें तो फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर ब्रश से। मेरी जो एक वीडियो है कि आप फाउंडेशन कैसे लगा सकते हैं सबसे आसान तरीका, उसमें मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से बताया है। तो आज इसलिए मैं आपके सामने ब्रश से लगा रही हूँ। तो जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फ्लैट कबूकी ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे ब्रशेस हैं, सिग्मा के बहुत अच्छे ब्रशेस हैं। बट लेटली जो मेरा फेवरेट है आजकल ब्रश, वो है पैक का 003 ब्रश, जो कि ये राउंड डेंस ब्रश है। बहुत ही अच्छा ब्रश है आपकी फाउंडेशन ब्लेंड करने का। अगर आप किसी फाउंडेशन ब्रश पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गो फॉर दिस वन, इट्स अ वेरी वेरी गुड ब्रश, और अभी आप देखेंगे क्यों। सो जैसे ही फाउंडेशन लग चुकी है, मैं सर्कुलर मोशंस में ब्लेंड कर रही हूँ, बफ कर रही हूँ बेसिकली। और जैसे ही मैं अंडर आईज पे आ रही हूँ, आई एम स्टैम्पिंग अगेन, पूरी फेस पे, नेक पे, आई एम जस्ट बफिंग सर्कुलर मोशंस। एंड जैसे ही आई एम कमिंग टू अंडर आई, I am stamping, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बफ करेंगे आपका जो भी कंसीलर लगा है वो निकल जाएगा। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड देन फोरहेड पे अगेन आई एम बफिंग। और अगर आपको लग रहा है कहीं आपको कवरेज ज़्यादा ज़रूरत है, इस फाउंडेशन की देखिए कवरेज ज़्यादा नहीं थी, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था, बट क्योंकि हमने कलर करेक्शन की थी, आप कोई भी पिगमेंटेशन मेरे चेहरे पे नहीं देख रहे हैं, कोई भी स्पॉट नहीं देख रहे हैं, बिकॉज कलर करेक्ट हम कर चुके हैं। इसको अच्छे से बफ करूँगी नेक तक। आप चाहें तो फाउंडेशन अपने लिड्स पे भी लगा सकते हैं, मेरे लिड्स बहुत ऑयली हैं, तो मैं इसको पाउडर से सेट करती हूँ और वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे। और अब दूसरी साइड पे भी मैं सेम प्रोसीजर यूज़ करूँगी, आई विल बफ द इंटायर फेस एंड आई विल स्टैम्प माय अंडर आई एरिया। तरा सो कंसीलिंग हो चुकी है, मेरा जो चेहरा है इवन टोन लग रहा है, आपने देख लिया है कि इवन इस तरफ का जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं वो छुप चुके हैं, और कलर करेक्टिंग भी हमारी बिल्कुल अच्छे से हो गई थी। ये लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन थी, बट क्योंकि हमने कंसीलर और करेक्टर यूज़ किया है तो कितने अच्छे से फाउंडेशन ने हमें फिनिश दी है। और अब जो है मैं अपना फुल फेस मेकअप करके वापस आती हूँ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देती हूँ। इस स्टेप के बाद आप क्रीम कंटूर एंड क्रीम हाईलाइट भी कर सकते हैं, जो कि जिसके लिए मैं एक सेपरेट सी वीडियो करूँगी कि आप हाउ टू कंटूर एंड हाउ टू हाईलाइट। उसके लिए आपको जो कंसीलर्स चाहिए वो लाइटर कलर के चाहिए आपकी स्किन शेड से, और या फिर बहुत डार्क अगर आपने कंटूर करना है तो। सो ये जो है मेरा बेसिक हाउ टू कंसील योर डार्क सर्कल्स कवर होता है इसमें, और फाउंडेशन भी ऑलमोस्ट कवर हो ही गई है, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ब्रश से भी एक डेमो दिखाइए, तो आपने देख लिया है वो डेमो भी। और मैं क्विकली अपना फुल फेस मेकअप करके आपके पास वापस आती हूँ। सो मैं अपने फुल फेस मेकअप के साथ वापस आ गई हूँ एंड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मस्कारा लगाया, हल्का सा ब्लश लगाया और बहुत ही हल्का सा लाइट हाईलाइटर,
और लिपस्टिक, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कंसीलर्स के लिए। अगर आपके अंडर आई में फाइन लाइंस हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, तो आपकी बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो कंसीलर है वो क्रीज हो जाए। मेरे फाइन लाइंस हैं और इस वजह से कभी कभी कंसीलर क्रीज हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी और क्विक सी टिप है। आपने अगर हाइलाइटिंग नहीं की है, क्रीम हाइलाइटिंग, जो कि मैं नॉर्मली करती हूँ जब मैं बहुत ही अच्छा सा मेकअप करती हूँ, गॉडी सा, तो उसमें मैं इंस्टेंट एज में रेजर डार्क सर्कल्स मेबलिन का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करती हूँ, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो, ट्रस्ट मी, एक वो वन ऑफ माय लाइक लाइफ टाइम फेवरेट आप कह सकते हैं उसे, बहुत ही अच्छा, और उससे क्रीजेज नहीं आती हैं। बट फिर भी मैं उसे भी सेट करती हूँ पाउडर से। बट अगर आप लाइटर कलर यूज़ कर रहे हैं हाइलाइटिंग के लिए, तो आपने यूज़ करना है लाइट कलर प्रेस्ड पाउडर, कोई भी पाउडर हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्रेस्ड हो। बट जैसे कि आज मैंने हाइलाइटिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ अपना अंडर आई डार्क सर्कल्स कंसील किए हैं और अपना नॉर्मल मेकअप किया है, फाउंडेशन किया है, तो आई एम NC42 एन मैक, तो उस हिसाब से मैं मैक का ही NC42 स्टूडियो फिक्स पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू सेट माई अंडर आइज़। मैं और कहीं सेट नहीं करूँगी। सो जो ये शेड है, ये मेरे ही कलर का शेड है, तो मैं कोई लाइटर कलर पे नहीं जा रही हूँ। या तो मैं आज ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकती थी या फिर अपने शेड का। अगर मैं हाइलाइटिंग की होती मैंने, तो मैं लाइटर कलर से सेट करती। तो जो सेट करने के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है ये ब्रश। ये बेसिकली ब्लश ब्रश है, बट ब्लश से ज़्यादा मैं इसे पसंद करती हूँ अंडर आई सेट करने में, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और ये है पैक का ही ब्रश है, ये है 302, और मैं इस ब्रश से हल्का सा इसे पिक करूँगी प्रोडक्ट। देखिए, हल्का सा प्रोडक्ट पिक किया है, और अगेन स्वीप नहीं करना है, स्टैम्प करना है। जी हाँ, पाउडर को भी आपने स्टैम्प करना है। तो मैं अपने अंडर आइज को अच्छे से इससे स्टैम्प करूँगी, ऐसे इस तरह से डैप डैप मोशन में, और ये मेरा अंडर आई कंसीलर सेट हो गया है। सेम दूसरी साइड डैप 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 एंड इट्स सेट। और अब जो मेरा मेकअप है वो इजीली 7 to 8 hours के लिए तैयार है, रेडी है। तो मैं इजीली ये मेकअप मेरे चेहरे पे 7 to 8 hours रहेगा। और हल्का फुल्का सा अगर आपको टचअप की ज़रूरत है, तो आप अगेन प्रेस पाउडर लेके हल्का सा टचअप कर सकते हैं अपने अंडर आई में। अगर फाइन लाइंस फिर भी आ रही हैं तो हल्का सा टचअप कीजिए। बट अगेन, अगर आप पफ लेकर भी करते हैं, तो लिटिल बिट आपने डैबिंग मोशन यूज़ करनी है, स्वीपिंग मोशन नहीं करना, आपका जो सारा प्रोडक्ट आपने लगाया है वो निकल जाएगा। सो ऑलवेज डैब, नॉट स्वीप, बस आपने ये बात ध्यान रखनी है। और आपने जो कलर करेक्टर्स हैं या कंसीलर्स हैं, अपने शेड से डार्क यूज़ करने हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है। और अगर ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ करें, वो भी डार्क ऑरेंज होना चाहिए, लाइट नहीं। सो मेरा ये 101 मेकअप बेसिक सीरीज़ का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आपने देखा कि कितना आसान है अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स छुपाना। कुछ ज़्यादा आपको चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी, बस थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखें और उसी तरह से चलें, और अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स यूज़ करें। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ कीजिए, आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। बट थोड़ी सी जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस वीडियो में, वो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप इस सीरीज़ में किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। बहुत लोगों ने मुझे विंग्ड आईलाइनर के लिए भी बोला है, और कंटूरिंग और हाइलाइटिंग के लिए भी बोला है। तो लेट मी नो आप क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पे करूं। और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। यस, अब तो मैं हिंदी में भी वीडियोस बना रही हूं, ताकि मेरे जो हिंदी ऑडियंस है वो भी मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी।